हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थ के साथ और मस्त के साथ हम टेंस की सीरीज में जो स्टार्ट किए थे पहुंच चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके पहले हम प्रेजेंट का इंडिफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट ये सारा चीज़ हम ख़त्म कर दिए थे। ठीक, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप वहाँ से पीछे सारा वीडियो प्लेलिस्ट में बना दिया गया है, आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, और आज जिस सेक्शन पे हम बात करने रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक, इसमें आप देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? ठीक, देखिए सर, सबसे पहले हम आपको बता दें, ऐसा कार्य जो भूतकाल से आरंभ होकर बोलना, तो यानी बोलते समय तक चल रहा हो, तो हमारा क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक, अब कैसे वाक्य को हम पहचानेंगे कि ये आपका एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है? देखिए, जिन वाक्यों के अंत में ता रहा है, ते रहे हो, ते रहे हैं, ता रही हूँ, ती रही हूँ आदि शब्द आते हैं, मतलब ये जो रेड कलर का लिखा गया ये सब यदि वर्ड आता है तो क्या करना है, वो उसका अनुवाद किस में करना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना ही है। ठीक, क्या जिन वाक्यों के अंत में ता रहा है, ते रहे हैं, ते रहे हैं, ते रही हूँ, ती रही हूँ आदि आदि आते हैं, तो उनका हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका अनुवाद करते हैं। ठीक, अब हमें देखना है नीचे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसे हम इंट्रोगेटिव, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं हिंदी में। ठीक, अब कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? लिखिए, एक सेंटेंस लिखा है, क्या मैं सोमवार से ही बीमार है? देखिए, यदि क्या वर्ड आया तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया, किसको? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ये सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, अब लिखा है मैं सोमवार से ही बीमार है, जिन वाक्यों के अंत में है, हाँ, ही, वो शब्द आदि आते हैं तो किस में आते हैं? ठीक, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ये सेटिस्फाई करता है। अब ये वाक्य को कैसे बनाना है, नीचे नियम को दिए गए हैं, नियम सूत्र देखेंगे तो इस सेंटेंस को आप इजीली कर लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं हम नियम के बारे में, बनाने के नियम ध्यान से देखिएगा। यदि नोट करना है तो आप क्या करिएगा, धीरे धीरे एक अच्छी कॉपी बना के धीरे धीरे करके क्या करना है, आपको नोट कर लेना, जिसके बहुत ज़्यादा आपको क्या इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक, बनाने के नियम सबसे पहले कैसे पहचानेंगे? देखो, यदि कोई वाक्य दिया रहा है, यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द से हो तो सबसे पहले अंग्रेजी हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, मतलब कर्ता के अनुसार हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, यदि प्रश्नवाचक शब्द, ये हमारा पहला हो गया। ठीक, अब मान लेते हैं पहला कंडीशन क्या से हो तो हम हैज और हैव लगा देंगे, मान लेते हैं वाक्य के बीच में आ जाओगे तब क्या करना है, यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे कैसे, क्यों, कब, क्या आदि शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उस वाक्य की अंग्रेजी उठाकर हम लिख देते हैं। क्या कह रहा है, मान लेते हैं कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे ये सब है, यदि वाक्य के बीच में आए, ठीक, वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी उठा के हम लिख देते हैं। ठीक है, उसकी अंग्रेजी लिखा दिए, उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद हमें क्या लिखना है, देखिए, उसके बाद हमें, उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में हैज अथवा हैव का प्रयोग करना है, हैज यानी हैव अथवा हैज का प्रयोग करना है। ठीक, ये कर दिए, और उसके बाद क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट लिखना, देखिए क्या दिया, यानी कर्ता मतलब सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं, जो जो अंडरलाइनर्स देखो कर दिए, बीन लगाते हैं, ठीक, बीन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो मुख्य क्रिया रहेगी उसका कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं। क्या कह दिए, सबसे पहले हम यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी उठा के हम लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, सहायक क्रिया हैज अथवा हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है मतलब कर्ता लिखना है,
उसके बाद कर्ता के बाद हमें क्या लगाना, बीन का प्रयोग करते हैं, किसका, बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमें मुख्य क्रिया लिखना, मुख्य क्रिया का, मुख्य क्रिया लिख दिए, उसमें क्या कर देना, आईएनजी जोड़ देना, क्या, आईएनजी फॉर्म लिख देते हैं। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, यानी उसके पश्चात अन्य सभी शब्दों को यानी लिख देते हैं, मतलब जो भी वाक्य बचा रहेगा उसे हम उसके बगल में लिख देते हैं। और लास्ट में वाक्य के अंत में ये वाला चिन्ह आप लगाना ना भूलिएगा, ठीक, क्योंकि यही आपका क्या कर देता है, प्रश्नवाचक वाक्य पहचान कराता है। ठीक है, तो ये आप लगाना मत भूलिएगा। ठीक, ये थे रूल के बारे में। अब हम देखते हैं सूत्र, ठीक है, सूत्र ये है आपके सामने, सूत्र ये कैसे बनाना, जो जो थ्योरी पढ़े आप बताते रहिए। हम क्या बोले हैं, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, तो सबसे पहले सहायक क्रिया, क्या, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के रूप में क्या यूज करते हैं, हैज या हम सॉरी हैव या हैज का प्रयोग करते हैं, किसका, हैज अथवा हैव का प्रयोग करते हैं। प्लस हम क्या लगाते हैं, कर्ता बोले हैं, कर्ता लगा देते हैं। उसके बाद क्या लगा देते हैं, हम बीन का प्रयोग कर लेते हैं, हमने बीन का प्रयोग कर लिया। प्लस हमने क्या बोले हैं, मुख्य क्रिया, हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने मुख्य क्रिया, उसके बाद क्या लगा देना हमको, आईएनजी लगा देना है। ठीक है, आईएनजी लगा दिए, मुख्य क्रिया आईएनजी। प्लस क्या करना, अन्य शब्द को ऐसे ही आपको क्या कर देना है, जोड़ देना, जो बोले हैं आप ध्यान से सुनिएगा, काम आपका हो जाएगा। यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, तो सबसे पहले सहायक क्रिया के रूप में हैज अथवा हैव, कर्ता के अनुसार हम लगा देते हैं। उसके बाद कर्ता लिखते हैं, उसके बाद बीन लिखते हैं, उसके मुख्य क्रिया लिखते हैं, उसके बाद आईएनजी लिखते हैं, फिर अन्य शब्द को एज इट इज जोड़ के लास्ट में ये वाला मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देते हैं। ठीक, ये आपका पहला हो गया। अब यानी हम बोल दिए, यदि वाक्य की शुरुआत क्या हो, क्या से हो, तो ये सेंटेंस, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो क्या लिखना है, सबसे पहले प्रश्नवाचक जो शब्द रहेगा, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्द रहेगा। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या हो जाएगा, बोले हैं, ठीक, कैसे, क्या, कब, क्यों आदि शब्द ईटीसी लिख देते हैं। आदि शब्द यदि वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी उठाकर यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद प्लस में क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया के रूप में हैज अथवा हैव का प्रयोग करते हैं, हैज अथवा हैव का प्रयोग हमने यहाँ कर दिया। ठीक, हैज अथवा हैव का प्रयोग कर दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, कर्ता लिखना है। ठीक, कर्ता लिखना, उसके बाद हमें क्या लिखना है, बीन लिखना है, कर्ता के बाद बीन तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक, बीन लिख दिए, उसके बाद हमें क्या करना है, मुख्य क्रिया जो रहेगी, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, उसके बाद हमें क्या लगा देना है, आईएनजी लगा देना है। प्लस अन्य शब्द जितने भी रहेंगे, अन्य शब्द आपको क्या कर देना, उसके बगल में उसकी अंग्रेजी आपको जोड़ देना, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक, क्या बताएं, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती तो ये सेंटेंस, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से न होकर इन प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बीच में कहीं आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी उठा के लिखेंगे, उसके बाद हैज अथवा हैव लिखेंगे कर्ता के अनुसार, और कर्ता लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म, अन्य शब्द को ऐसे ही जोड़ देते हैं। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, दो फार्मूला, ये दो फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं जो स्टार्टिंग में हम देखे थे इंट्रोगेटिव के जस्ट नीचे, उसे हम सेंटेंस बनाएंगे, फिर नीचे आपका वाक्य दिया गया है कुछ, उसे आप बनाना स्टार्ट करिएगा। ठीक, दोनों लोग मिलके करेंगे तो काम हमारा ईजी हो जाएगा। चलिए, ठीक, देखिए यही स्टार्टिंग में देखे थे ना, इसी को कैसे बनाना, हम क्या बोले, यदि वाक्य शुरुआत क्या से होती, देखो क्या से हुआ है, तो हैज अथवा हैव कर्ता के अनुसार। अब देखो कर्ता एक वचन है, एक वचन, यहीं पर हम ट्रिक बता देते हैं, यदि एक वचन कर्ता रहे, एक वचन कर्ता रहे, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एक्चुअली हम हैज का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा बहुवचन कर्ता रहे, क्या बोलते हैं, बहुवचन कर्ता रहे, ठीक है, बहुवचन कर्ता रहे, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। ये आप कॉपी में लिख लीजिए। ठीक, अब देखो क्या महेश एक वचन है, तो एक वचन के लिए हम क्या यूज कर दिए, हैज का प्रयोग कर दिए। उसके बाद हम क्या बोले हैं, कर्ता लिखना, महेश एक कर्ता है, तो हमने क्या लिख दिया, महेश की अंग्रेजी यहां उठा के लिख दी। एक्चुअली ये यम क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि ये नाउन है। ठीक, महेश लिख दिया। उसके बाद हमें क्या यूज करना है, बीन का प्रयोग करना, तो हमने बीन का प्रयोग कर दिया यहाँ पर। ठीक, अब देखो क्या कर दिया, यानी हमने क्या कर दिया, यानी क्या की अंग्रेजी उठा के यहाँ, महेश की अंग्रेजी यहाँ बीन कर दिया। उसके बाद हमें क्या लगाना है,
ठीक, क्या लगाना है? अब ये आपको लगाना इल, तो हमने क्या लगा दिया? इल मतलब बीमार है। ठीक, कब से? यानी सोमवार से। तो इल सिंस मंडे, मतलब ये सिंस मंडे हो गया। ठीक है, ये आपका, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया सेंटेंस, यानी हैज महेश बीन इल सिंस, इलिंग रखिएगा, एक्चुअली एक्चुअली आईएनजी रहेगा ना, तो इलिंग रहेगा। ठीक है, सोमवार से बीमार है, तो सिंस का प्रयोग हमने करके वहां पर मंडे, उसके बाद लास्ट में हमने क्या कर दिया? ये वाला क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये हो गया। ठीक, अब बनाने का नियम सूत्र, ये पहला सेंटेंस पकड़ लिया, अब हम आते हैं सेंटेंस और बनाते हैं जिससे हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए, ठीक है, ये आपके सामने रहा वाक्य। अब वाक्य को कैसे बनाना है तो उसे हम आपको बताएंगे। ठीक, यदि आ रहा है तो कॉपी में लिखिए और तुरंत वहां पर अपना बना लीजिए, नहीं तो हम स्टेप स्टेप बाय बता रहे थे। लिखा, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो? रहे हो, चलिए रहे हो तो पढ़ रहे तो अच्छी बात है। ठीक, देखो क्या से स्टार्ट हुई है, तो क्या, अब हमने क्या करना हैज अथवा हैव का प्रयोग करना, तो बहुवचन है तो हमने क्या यूज कर लिया, एक्चुअली हैव यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तुम की स्पेलिंग यू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लगाना, करता, करता के बाद हमें क्या लगा देना, बीन लगा दें, तो हमने बीन का प्रयोग कर दिया। ठीक, क्या कर रहा, पढ़ रहा, तो रीड हो जाएगा, तो इसके बगल में हम क्या लगा दिए, आईएनजी लगा दिए। ठीक हो जाएगा, रीडिंग हो गई। कब से पढ़ रहे बाबू, कब से पढ़ रहे, सुबह से पढ़ रहे ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब सिंस और फार यदि नहीं पता है तो मेरे भैया आपको क्या कर दिया, एक छोटा सा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्या सिंस का प्रयोग अथवा फार का प्रयोग। ठीक, एकदम इजी वे में, मतलब 2 से 10 मिनट के अंदर होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी वहां पर है, वाक्य भी है और रूल भी है। ठीक, सारा वहां से 2 मिनट का देख लीजिएगा भाई। ठीक है, ठीक, ये आपका ये पोर्शन हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, वे 2 वर्षों से किस गांव में रह रहे हैं, मतलब देखो क्या दिया? अब देखो ये वाक्य के बीच में आया कि नहीं, वाक्य क्या आया, वाक्य के बीच में आ गया है वर्ड को, तो कैसे लिखेंगे मेरे भाइयों, जल्दी बताइए। ठीक, अब देखो किस की अंग्रेजी सबसे पहले, यानी गांव में रह रहे ना, तो यानी इन विच, हमने क्या लिख दिया, इन विच, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी उठा के लिख दिया। ठीक, उसके बाद शेष रूल आपको लगा देना है, क्या लगाना है, मतलब करता, करता मतलब विलेज, गांव है ना, तो हमने क्या लिख दिया, यहां से एक्चुअली हम लिख दिए विलेज लिख दिए। ठीक, तो हमने यहां से विलेज लिख दिया। उसके बाद क्या लगा देना हमें, कर, यानी देखो कर ये लगा दिए, उसके बाद हमें क्या लगा देना है, एक्चुअली सहायक क्रिया लगा देना, तो हमने क्या लगा दिया, हैव का प्रयोग कर दिया। ठीक, अब क्या कर दिए, वे, तो हमने क्या कर दिया, अब यहां से एक्चुअली हमारा क्या स्टार्ट होता है, करता, दे हो जाएगा। ठीक है, दे, उसके बाद हमें क्या प्रयोग करना है, बीन का प्रयोग करना है। ठीक, कहां रह, रहना का क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा, इसके बगल में आईएनजी लगा दीजिए। ठीक, अब कितने वर्षों से, मतलब 2 वर्षों से रह रहे हैं, तो यानी फॉर 2 ईयर, देखिए यहां पर भी फॉर का प्रयोग आ गया, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, ये आपका ये कॉन्सेप्ट हुआ, क्या, वे 2 वर्षों से किस गांव में रह रहे हैं, इन विच विलेज हैव They been living for 2 year। ठीक, ये आपका सेंटेंस दूसरा था। ठीक, अब आते हैं तीसरे नंबर पे, तीसरा, चौथा, उसके बाद पांचवा है। ठीक है, ये आप बना लीजिएगा, तब मजे के साथ आपका ये पोर्शन कंप्लीट होता है। ठीक, वह 1 घंटे से क्या कर रहा है, मतलब वह 1 घंटे से क्या कर रहा है, तो बताइए क्या, वर्ड देखो बीच में आया, तो हमसे सबसे पहले उसकी अंग्रेजी वाट यहाँ उठा के लिख देते हैं, हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, उसके बाद हमें सहायक क्रिया के रूप में हैज अथवा हैव का प्रयोग करना है, तो हमने क्या कर दिया, हैज। ठीक, तो हमने हैज का प्रयोग कर दिया क्योंकि एक वचन है। ठीक, उसके बाद हमें कर्ता लिखना, ही प्रयोग कर दिया। उसके बाद हमें क्या लिख देना, बीन लगा देना, तो हमने बीन प्रयोग कर दिया। ठीक, व्हाट हैज ही बीन, इतना हमने कर दिया। अब उसके बाद क्या कर रहा है, करना का मतलब क्या हो जाएगा, डू, उसके बगल में क्या लगा देंगे, आई एन जी लगा देंगे, तो यानी डूइंग हो जाएगा। ठीक है, कितने घंटे से, 1 घंटे से, तो हम क्या इसका यूज करेंगे, फॉर, फॉर 1/4, मतलब ये हमारा कंप्लीट हो गया, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या लिख रहा, वह 1 घंटे से क्या कर रहा है, यानी वाट हैज ही बीन डूइंग फॉर 1 आवर, मतलब 1 घंटे से कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसका लिख दिया। ठीक, ये था तीसरा सेंटेंस। अब आते हैं नेक्स्ट, यानी 4th नंबर पे, क्या लिखा है,
क्या लिख दिया है यहां से आप ध्यान से सुनिए, लिखा है तुम सुबह से उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो। तो देखो क्यों वर्ड बीच में आया है, ठीक। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले क्योंकि अंग्रेजी वाई हमने यहां लिख दिया, ठीक है, वाई लिख दिया। अब उसके बाद क्या लगा देना, हमें हैज लगा देना है क्योंकि बहुवचन यू है, ठीक। उसके बाद यू की अंग्रेजी हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है। ऐसे लगाते चलिए, सेंटेंस कंप्लीट अपने आप हो जाएगा, हैज बीन। अब प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का क्या हो जाता है बाबू, वेट हो जाता है। उसी के बगल में हमें क्या लगा देना है, वेटिंग लगा देना है, ठीक। तो हमने वेटिंग लगा दिया। अब फॉर मतलब कितने, सुबह से, तो दोबारा हो गया फॉर, फॉर हीम, फॉर हीम किसके लिए, लिए कर रहा है ना, तो यानी ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, सिंस, सुबह से कर रहा बाबू, चलिए सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका सिंस मॉर्निंग, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्या लिखा, तुम सुबह से उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो। तो देखियो क्या कहते हैं हम, क्योंकि इस अंग्रेजी उठा के लिखे यहाँ, तुम की स्पेलिंग मतलब एक वचन करता है तो हमने यू, सॉरी बहुवचन करता है तो हैव का प्रयोग कर दिया, और यू की स्पेलिंग यहाँ बीन हो गया। अब करना, करना का क्या हो जाएगा, वेट कर रहा है ना, तो वेटिंग हो जाएगा। फॉर हीम सिंस मॉर्निंग, सुबह से कर रहा है, ठीक, उसके लिए। अब ये था फोर्थ नंबर। अब आते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके ये सामने रहा, लिखा है क्या बढ़ई दो दिनों से मेज बना रहा है, ठीक। कैसा बढ़ई यार, दो दिन से मेज बना रहा है, चलिए इसके बारे में देखते हैं, ठीक। अब देखो क्या से स्टार्ट हुई, तो बढ़ई एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हैज का प्रयोग कर दिए। बढ़ई द कारपेंटर, क्या लिख देंगे, द कारपेंटर, ठीक है, द कारपेंटर। उसके बाद क्या लगा देना, बीन का प्रयोग करना, तो हमने बीन का प्रयोग कर लिया, ठीक। बनाना, बनाना का क्या हो जाएगा, मेक हो जाएगा। उसके बगल में हमें क्या लगा देना, आई एन जी लगा देना, ठीक। मेकिंग, क्या बना रहा था, टेबल, तो हमने क्या लिख दिया, द टेबल, टेबल हमने लगा दिया उसके बगल में। अब कितने दिन से बना रहा, दो दिनों से बना रहा, तो फॉर टू डेज, ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में आपको क्या कर देना, ये साइन लगा देना। क्या लिख दिए, क्या बढ़ई दो दिनों से मेज बना रहा है, द हैज द कारपेंटर बीन मेकिंग ए टेबल फॉर टू डेज, ठीक है। तो ये सेंटेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक। ये इसमें हम क्या देखें, सूत्र देखें और कैसे बनाना, नियम देखें और कुछ वाक्य भी बनाएंगे, ठीक है, बना लिए हम। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे आपके नेक्स्ट सेक्शन पे, और आपका बताया जाएगा यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सबसे लास्ट पोर्शन, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तब तक के लिए बाय, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, थैंक यू।